तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक Redmi 9 मॉडल है, Redmi 9 ये नहीं है, देख के समझ में आता है आप लोगों को, Redmi 9A है मॉडल, ठीक है। Redmi 9A में यहाँ पे लगा हुआ है क्या है, MI अकाउंट, ठीक है। MI अकाउंट भी होगा तो फिर FRC भी हो सकता है, क्योंकि इसको किसी ने क्या किया है, फैक्ट्री रिसेट या हार्ड रिसेट किया हुआ है ना, फॉर्मेट करने के बाद उसका डाटा जब कस्टमर का पैटर्न लॉक या फिर अंदर जीमेल आईडी रहती है, एमआई अकाउंट रहता है, ये सब क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं रिसेट के बाद। तो ये तो रिमूव क्या है, इन लोग ने किया नहीं होगा किसी के पास, ये किसका फोन है भाई, स्टूडेंट का, ये यहाँ पे बैठे है, ठीक है। तो ये अनलॉक रूल से भी अगर मैं इसको रिमूव करूंगा वहां पे वो डन बताएगा, बट वो एज इट इज वैसे के वैसे ही रह रहा है, ये मैंने Redmi 9A में बहुत बार देखा है, ठीक है। UMT में भी करने की कोशिश की है, UMT में भी वहां पे डन बताता है, बट वो जैसे कि वैसे ही इसमें रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट के भी मेरे को कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, सर Redmi 9A का वहां पे डन हो रहा है सर, वो वैसे के वैसे क्यों रह रहा है। तो हम यहाँ पे पेड वाले टूल से नहीं करेंगे इसको, हम डायरेक्टली फ्री के टूल से, एसपी टूल से डायरेक्ट रिमूव करेंगे विदाउट फ्लैशिंग। फ्लैशिंग नहीं करना है हमें, सिर्फ क्या निकालना है इसका, MI अकाउंट और FRP दोनों बताऊंगा मैं कैसे निकालना है। खाली एक छोटा सा कोडिंग होती है, हमें वो कोडिंग को इसमें ऐड करना है और उसको राइट करना है। सिर्फ फ्लैशिंग जैसा करते हैं वैसा ये भी फ्लैशिंग नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, फ्लैश फाइल डाउनलोड करना ही है, जरूरी नहीं है हमें फ्लैश फाइल की जरूरत नहीं है। हमें करना ये है, ये गूगल पे आना है, ठीक है। सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे, कोई भी मॉडल, ऐसा नहीं है Redmi 9A के बारे में बता रहा हूं, MediaTek का प्रोसेस बता रहा हूं, क्या समझेंगे हम लोग यहां पे, MediaTek प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि Redmi 9 प्रोसेस है, सेम है, सारे MediaTek में काम करेगा यही प्रोसेस। आप कोई भी मॉडल ले लो, गूगल पे डालो, जैसे कि अब यहां पे मैं क्या डाल रहा हूं, Redmi 9A, ठीक है। इस तरह Redmi 9A डाल दिया। अब इसके अंदर आपको आगे लिखना है FRP फाइल लिखना है या MI अकाउंट, FRP फाइल लिख लो, उसके अंदर दोनों भी मिल जाएगा, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे आ गया Redmi 9A FRP फाइल। अब जैसे मैं यहां पे ये ओपन करता हूं, यहां पे देखो बहुत सारे वेबसाइट आ रहे हैं, अपने अपने वेबसाइट पे फाइल्स दिया हुआ है कि यहां से हमारे पास से डाउनलोड करिए, ठीक है। तो रोम प्रोवाइडर में देखो फर्स्ट नंबर पे रोम प्रोवाइडर बोल के है, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, Redmi 9A bypass MI account FRP without auth 100% free, ठीक है। अब ये जो फाइल है इसके अंदर हमें ना इसको UMT की जरूरत है ना अनलॉक टूल की जरूरत है, ओनली FRP निकालने के लिए, MI account निकालने के लिए SP टूल से हम ये काम करेंगे। तो क्या करेंगे, ओपन करो, ठीक है। ओपन करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे देखो डाउनलोड, जो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है वो क्या क्या दे रहा है, देखो डाउनलोड करने के लिए, अगर आपके पास डाउनलोड ड्राइवर नहीं है तो आप यहाँ से ड्राइवर भी क्या कर सकते, डाउनलोड कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास टूल भी नहीं है SP टूल, तो वहां पे वो एक साथ ही सारा कुछ दे दिया है, ड्राइवर भी वही है, टूल भी वही है और बाईपास टूल भी यही है, हमें MT के बाईपास टूल भी जरूरी है, देखो बिना बाईपास का ये आगे प्रोसेस लेता नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो DAANSLA bypass tool, मतलब वही हमारा MT के bypass tool है, ठीक है। तो ये तीनों तो हमारे पास अवेलेबल है ना हमारे पास, ड्राइवर है, उसके बाद SP टूल भी हमारे पास अवेलेबल है, उसके बाद MT के bypass tool भी क्या है हमारे पास, अभी चीज नहीं है, एक चीज क्या नहीं है हमारे पास, FRP फाइल, MI account फाइल जो होती है ये फाइल हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको, खाली सिंपली इसी को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितने MB का है, 3 MB का भी नहीं है, 3 MB का फाइल है बस, फ्लैश फाइल इतना MB का आता है क्या, तो 2 GB का 3 GB का होता है ना। तो ये इतना सा फाइल के अंदर आपको क्या प्रोसेस दिखा देखना है, अभी देखो ये डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो Redmi 9A FRP bypass फाइल आ गया है, यहाँ पे zip में आता है, कोई भी फाइल हम डाउनलोड करते हैं नेट से तो क्या होता है वो zip में आता है। तो क्या करेंगे इसको, कौन से टूल से करेंगे, 7-zip से कर सकते हैं, विमरार से कर सकते हैं, बेस्ट ये है कि 7-zip से ही करो, है ना। इसको यहाँ पे 7-zip से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए
ये हमारी फाइल हो गई है। कितनी फाइल है इसमें? 7 एटम्स बता रहा है, ठीक है। स्कैटर फाइल भी है इसमें, MTK 6765 एंड्रॉइड स्कैटर फाइल है इसमें। तो ये तो हमें जैसे फ्लैश फाइल सिलेक्ट करना है वैसे इसको स्कैटर फाइल को लोड करना, ठीक है। ये मैं आपको फुल प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर आपको मैनुअल एड्रेस ऊपर दिख रहा है एकदम सामने, मैनुअल एड्रेस में ये सारे कोडिंग है। या फिर वही वेबसाइट जहां से हमने डाउनलोड करे ना, उसी के नीचे भी आएगा, वहां पे भी दिखाएगा MI अकाउंट के लिए ये कोड है, FRP के लिए ये कोड है, ये डालो आप, हो जाएगा। तो भी हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैनुअल एड्रेस में आ जाते हैं। चलो अब यहाँ देखो, 3 एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है। कौन सा एड्रेस है? देखो उस पर लिखा हुआ भी है, फर्स्ट नंबर पे MI अकाउंट लिखा हुआ है। अगर MI अकाउंट रिमूव करना है तो वो वाला कोड डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। FRP रिमूव करना है तो ये वाला कोड डालना पड़ेगा, या आपका पैटर्न लॉक या कस्टमर का जो पैटर्न लॉक पिन लॉक पे रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, योमके में जाके फॉर्मेट FS करते हैं, ठीक है, या फिर फ्लैशिंग करके इसका डाटा इरेज कर देते हैं। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास योमके नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मेट डाटा सिर्फ कस्टमर का डाटा इरेज करना है, तो ये कोडिंग डाल के आप उसका डाटा भी इरेज कर सकते हो, पैटर्न लॉक कस्टमर डाटा सारा इरेज हो जाता है। लेकिन ये ऑलरेडी क्या है, इरेज ही है, किसी ने इरेज करके लाया है, तो इस कंडीशन में आके खड़ा हुआ है ना MI अकाउंट पे ये। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या रिमूव करेंगे, चलो MI अकाउंट रिमूव करेंगे। अब इसके लिए रिमूव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले SP टूल ओपन करेंगे। कौन सा टूल ओपन करेंगे? SP टूल ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, पहले एक 6A का फाइल स्कैटर यहाँ पे लगा हुआ है, हम इसी को राइट करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं जिसको पता नहीं रहता है, वो टूल ओपन करके देखते हैं फाइल लोड है। अब कोई भी फोन दूसरा लगा लेते हैं मीडियाटेक का, फाइल कौन सा है वो नहीं देखते, ठीक है। तो ये न्यू लोगों का काम है, ऐसा नहीं है, आगे चल के वो सीख जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखो फिर से फाइल लोड करेंगे। अभी हमारी फाइल है डाउनलोड में, कंप्रेस में, और कौन सा है, बाकी सारे फाइल क्या है, उसमें फाइल ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है, बस इतना हमें यहाँ पे लोड करना है। उसके बाद यहाँ से कुछ भी नहीं करना, राइट नहीं करना ना यहाँ पे कुछ चेंजेस, हमें आना है ऊपर फॉर्मेट में। कहाँ आएंगे हमें? फॉर्मेट। पहले फाइल वहाँ पे लोड करना है, स्कैटर फाइल को, ठीक है। उसके बाद जैसी स्कैटर लोड हो गई है तो हम कहाँ आएंगे फिर, मैनुअल फॉर्मेट, फॉर्मेट में आ जाएंगे। और यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है, पहले नंबर पे ऑटो फॉर्मेट फ्लैश। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ सभी बोलो, मैनुअल फॉर्मेट फ्लैश। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे दो एड्रेस के लिए ऑप्शन दिया हुआ, एक है बिगिन एड्रेस और एक है फॉर्मेट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोडिंग है हमारे पास, ये जो कोडिंग है, अब ये ऊपर वाली कोडिंग में कहाँ पे डालूंगा, कॉपी करके बिगिन एड्रेस में डालू, है ना, क्योंकि ऊपर वाला ही एड्रेस है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके डबल क्लिक करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ, आ गया कोड। सेकंड वाला क्या है हमारा, ये इसको भी क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके आ गई कोड इसमें। अब दूसरा प्रोसेस क्या है देखेंगे हम, इसको बिना MT के बाईपास टूल से बाईपास नहीं करेंगे, डायरेक्ट कनेक्ट करने पे अगर ये ले रहा है या नहीं ले रहा है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फोन को ऑफ कर देंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे यहां से, क्योंकि क्या है, एक MI अकाउंट के अंदर ऑफ कर नहीं सकते, ऑफ करने के लिए ऑप्शन पीछे आता है बैकग्राउंड में, लेकिन यहां पे ऑप्शन यूज नहीं होता। हम इसको क्या करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे, तीनों की दबा के रखेंगे, तो ये रिस्टार्ट होकर वहां पे फोन क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली पोर्ट बना लेगा, देखेंगे, ठीक है। फोन यहाँ पे कनेक्ट होते हुए क्या बता रहा है, हॉट फाइल नीडेड, कोड बना चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
MTK USB port V1632 port बना दिया, लेकिन इसमें अभी क्या प्रॉब्लम बता रहा है, हॉट फाइल चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाईपास टूल से करना पड़ेगा, ठीक है, इसको कर लेते हैं ओके, और बाईपास टूल हमारा डेस्कटॉप पे ही है, ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम लोग बाईपास टूल पे, फिर से मुझे फोन को रिकनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, हो गया यहाँ पे बाईपास हो चुका है, प्रोटेक्शन इज क्या है डिसेबल, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हाँ अब हम यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देंगे और उसके बाद एसपी टूल ओपन करेंगे, हमने यहाँ पे कोड को डाल के रखा हुआ है ऑलरेडी, सिंपली क्या करेंगे हम स्टार्ट कर देंगे, ये हो गया और यहाँ पे आ जाएगा आपको फॉर्मेट, कितना टाइम लगा, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 सेकेंड इसको राइट करने में लगा हुआ है, ठीक है, अब चेक करेंगे, ये तो हो चुका है, अब एक बार फोन को क्या करेंगे ऑन करके देखेंगे हमारा एम आई अकाउंट हटा या नहीं हटा, चेक कर लेते, फोन भी ऑन हो रहा है, अब इसमें देखो एफआरपी हमने रिमूव नहीं किए, ठीक है, अगर इसमें एफआरपी भी लगेगा तो भी हम सेम प्रोसेस करना है, कुछ है क्या अलग प्रोसेस, बैटरी डाउन है, बस चार्जर लगा कर लेते, तो देखेंगे यहाँ पे चार्जिंग का एरर आ रहा है, वेट करते हैं एक बार, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, क्या हो गया इसमें, एमआई अकाउंट क्या हो गया, एमआई अकाउंट ओपन होने के साथ डायरेक्ट होम स्क्रीन पे आ चुका है, मतलब इसमें सेटअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, किसी ने इसको फैक्ट्री रिसेट किया था, लेकिन इसके अंदर एफआरपी भी लॉक नहीं लगा हुआ है, रीलॉक होता है तो अभी न्यू अपडेट में आया ऑप्शन डिसेबल अकाउंट बोल के, एमआई अकाउंट बोल के आ रहा है, डिसेबल करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने सिर्फ रिसेट किया हुआ है, एमआई अकाउंट क्या किया हमने, अगर इन केस वो वाईफाई लगाने से या सिम डालने से रिटर्न आता है, इसका मतलब वो फोन इंडियन वाला नहीं है, अदर कंट्री का फोन, ये ज्यादातर बाहर के फोन से होते, हमारे इंडिया के फोन में नहीं होते ये प्रॉब्लम, रिलॉक जो होता है ना, एंटी रिलॉक बोलते हैं जिसको, जो वापस से आ जाता है एमआई अकाउंट, वो यहाँ का फोन नहीं रहता, वो अदर कंट्री का रहता है, उसकी वजह से वो कंट्री वाइज प्रॉब्लम आता है, रिलॉक हो जाता है, तो एक तो उसको ऑनलाइन सर्वर से करना पड़ता है, लेकिन अभी के अपडेट में आ चुका है, उसको हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट मतलब डिसेबल करने के लिए ओटीए बोल के अपडेट आया है, अनलॉक टूल में भी आया है, और कल के अपडेट में यूएमटी के टूल में भी आया है, हाँ ओटीए अपडेट बोल के आता है, जिसमें डिसेबल करना है, डिसेबल एमआई क्लाउड डिसेबल, ठीक है, लेकिन वो भी जो है कुछ फोनों में काम कर रहा है, सारे फोनों में काम नहीं कर रहा, क्योंकि कल नोटेड में जो था ना नोटेड, उसमें ट्राई किया, उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ,
मतलब वहां से उसका एमआई क्लाउड नहीं हटा, तो सारे मॉडल्स अवेलेबल नहीं है उसमें, कुछ मॉडल हो सकते हैं। फिर मुझे उसे उसे ईडीएल फोन से ही करना पड़ा, कल का जो नोटेट था ना ये स्टूडेंट का ही था ना फोन, हाँ तो ईडीएल से ही करना पड़ा। कुछ मॉडल हो सकते हैं और कुछ नहीं होते उसमें, अभी उसमें शायद मुझे लगता है और प्रोग्रेस करना बाकी है उसके। ठीक है सर, ये भी सर वो रिलॉक वाली है, ये अदर कंट्री का फोन है, आप ये नहीं पता है तो तभी बता रहे हो, आपको पता चल रहा है, देख लो क्योंकि ये सेकंड वाईफाई कनेक्ट कर लो और एक बार चेक कर लो रिलॉक हो रहा है रीजन पे, अगर हो सकता है ये कोडिंग से, क्योंकि इसमें फॉर्मेट हो रहा है, एमआई अकाउंट फॉर्मेट हो रहा है। ठीक है तो यहां पे निकल गया है, एकदम इजी है, सभी लोग कोई भी सब लोग कर सकते हैं यहां पे। चलो ओके ठीक है।